नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शुभदेव सिंह चौहान। शुभदेव सिंह जी कांग्रेस में जुड़े होने के साथ राजपूत नेता हैं आप, और इश्यू चल रहा है पूरे देश में राजपूतों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के बहिष्कार का। भाजपा के नेता दिया कुमारी, जो कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने बयान दिया है। हमारे ही साथी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की ओर से फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस जो है वो जातिवाद करती है, इस तरह का आरोप है। आपके ही समाज के बड़े नेता का ये आरोप है, क्या मानते हो आप, क्यों ये इश्यू उपजा दिया आपने? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ही हमने ये सुना था, और ये भाजपा और आरएसएस के जितने भी लोग हैं, इनकी हमेशा एक तरीके से परिपाटी होती है। वो कोई भी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, जब भी उनको लगता है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, या जब भी उनको लगता है कि हमारी सत्ता हमारे हाथ से खिसकने वाली है, तब वो इन चीजों का सहारा लेते हैं। और देखिए होता क्या है, मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले, आप भी जानते हैं उनको, पुरुषोत्तम रूपाला जी आते हैं और वो राजपूत समाज के लिए अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। वो यहां भी नहीं रुकते हैं, वो आगे जाते हैं, आगे जाकर के राजपूत समाज की माँ और बहनों तक पे उनपे गलत टिप्पणियां करते हैं। अब जो महिलाएं हैं, वो किसी भी समाज की हो, वो मेरे समाज की, चाहे राजपूत समाज की हो, चाहे अन्य समाज की हो, अगर महिलाओं के ऊपर कोई टिप्पणी की गई है तो वो बहुत गलत है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी चुप रहते हैं। मोदी जी क्यों चुप रहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि किसी भी समाज का इस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको अपमानित होने दिया जाए? अब दिया कुमारी जी की बात करें, चाहे हम गजेंद्र सिंह शेखावत जी की बात करें, 3 दिन पूर्व गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने तो पूर्ण रूप से रूपाला का समर्थन किया है। अब उसके बाद में अब बात आ जाती है दिया कुमारी जी की। दिया कुमारी जी राजपूत समाज के साथ साथ में वो एक संवैधानिक पद पे हैं, और जिस तरीके से महिला के ऊपर गलत टिप्पणी करने वाले व्यक्ति का वो अगर साथ दे रही है, तो क्या मैसेज जाएगा? वो मैसेज इस बात का जाता है कि महिलाओं के प्रति भाजपा और आरएसएस वो साथ नहीं दे रही। उनका आरोप है कि कांग्रेस ये कास्टिज्म फैला। मैंने सुना है ना जी, मैंने आपके ही चैनल के माध्यम से सुना है, उन्होंने कहा ये तो छोटी मोटी बात है, ये छोटी मोटी बात है, महिलाओं का अपमान करना छोटी मोटी बात है। जब दिल्ली के अंदर महिलाएं सड़क पर पीटी जा रही थी, तब मोदी का चुप रहना किस बात की ओर इंगित कर रहा था? जब गुजरात के अंदर राजपूत समाज की महिलाओं को उनकी खाकी वर्दी के द्वारा घसीटा जा रहा था, तब मोदी और शाह चुप थे। उसके पश्चात में यहां राजस्थान के अंदर आरएसएस और भाजपा का कोई भी नेता ना तो दिल्ली के अंदर जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ तब बोला, ना गुजरात के अंदर महिलाओं पर अत्याचार हुआ तब बोला, ना यूपी के अंदर जब बच्ची की लाश को जला दी जाती है तब वो कोई नहीं बोले। अरे ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों के पक्ष के अंदर तिरंगा यात्रा निकालते हैं, ये उन बिरादरी से आते हैं ये लोग। तो आज दिया कुमारी जी हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, जिस तरीके से वो रूपाला के समर्थन में खड़े हैं, वो बिल्कुल राजपूत समाज ही नहीं, 36 कौम की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब इस बात को देख रही हैं। और राजपूत समाज के प्रति आरएसएस ने किया क्या है अब तक? ईडब्ल्यूएस की सरलीकरण की बात कर लीजिए, राजस्थान में किया, गहलोत साहब ने किया, हमारे शासनकाल के दौरान में हुआ, गुजरात में भी हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बात आती है दिया कुमारी जी की। दिया कुमारी जी ने जो महिलाओं के प्रति, खासकर राजपूत समाज महिलाओं के प्रति जो काम उन्होंने करना बोलना चाहिए था, खुलकर के सामने आना चाहिए था, वो तो रूपाला जी का रूपाला का समर्थन कर रहे हैं ना। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बयान हमने सुना एक चैनल को देते हुए इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि रूपाला को वो जानते हैं, और आपने भी सुना होगा वो इंटरव्यू। तो दोनों अपनी पार्टी लाइन पे तो हैं, उसमें कहां दिक्कत है? मैं यही तो कह रहा हूं ना कि वो वाकिंग पार्टी लाइन में, इनकी पार्टी लाइन क्या है? महिलाओं के प्रति अत्याचार। आरएसएस का पुराना इतिहास देखिए आप, कांग्रेस के आप बिल्कुल नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है यहाँ, कांग्रेस की बात नहीं है यहाँ, बात है महिलाओं के आत्म सम्मान की, महिलाओं के मान सम्मान की बात है। अब मुझे बता दीजिए, रूपाला कहते हैं कि मैंने माफी मांग ली। अरे भाई, माफी मांगने से क्या राजपूत समाज का जो स्वाभिमान था क्या वो लौट के आ जाएगा? क्या माफी मांगने से रूपाला ने जो मां बहनों के ऊपर जो गंदी टिप्पणी की थी, क्या वो इज्जत लौट के आ जाएगी? क्या माफी मांगने से ये सब होता है? हाँ, हम मानते हैं आपके पुरखे माफी भी रहे हैं, इसलिए हर बात को लेकर के आप माफी पे चले जाते हैं। और माफी पे मुझे याद आता है प्रदीप जी, यही चुनावी समय था 2019 के अंदर, नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी ने क्षत्रिय समाज के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, जो मैं यहाँ
नहीं कहना चाहूंगा, उन्होंने टिप्पणी जो की थी वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। उन्होंने कहा था कि जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया था, बिल्कुल अप्रैल 2019 के अंदर मैंने झोटवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, और वही प्रहलाद मोदी अपने वही पुरखे माफी वीरों की तरह उन्होंने 10 दिन बाद में माफी मांगी। तो माफी तो मांगना, अप्रैल महीना चुनाव का टाइम, ये क्या कोई विशेष टाइमिंग आती है इसकी, आपको क्या लगता है? ये तो आरएसएस चिंतक बता सकते हैं, ये भाजपा के जो बड़े लोग हैं वो बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, जब चुनाव आते हैं तब इस तरीके की चीजें क्यों की जाती है, क्यों समाज को टारगेट किया जाता है, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो दलित वर्ग हो। इनका हमेशा रहता है कि सत्ता को हम काबिज कैसे करें, सत्ता पे किस तरीके से आए, समाज में हम समाज को बांट के आए, चाहे धर्म के हिसाब से बांटे हम, चाहे हम उनको जाति के हिसाब से बांटे। और महिलाओं की ये बात करते हैं, आपने इनका भी जो मैनिफेस्टो, जिनको आजकल ये क्या नाम दे रहे हैं, कुछ हम तो गारंटियां चल रही है कांग्रेस में भी बीजेपी में, नहीं गारंटी शब्द पे भी मैं आ जाऊंगा तो फिर मैं बात करूंगा, गारंटी भी हमारे द्वारा ही चुराया गया शब्द है, हमने आसाम में सबसे पहले गारंटी शब्द का यूज किया था। जी सचिन पायलट कह रहे थे हिमाचल में किया था, नहीं आज ही उनका बयान था ये हिमाचल, सचिन पायलट साहब के पास में इंफॉर्मेशन हो सकती है, आसाम के अंदर ये सबसे पहले यूज हुआ था। और उसके बाद में क्या हुआ था कि राजनीति के अंदर देखिए वायदा हुआ करता था, आप राजनीति को भली भांति समझते हैं, जब 2 करोड़ युवाओं की नौकरी की बात हुई, जब महिलाओं के मान सम्मान की बात हुई, जब देश को संविधान की बचाने की बात हुई, तो तब क्या हुआ कि मोदी के जितने भी जो वायदे थे वो जुमले साबित हुए, खुद इन्होंने कहा कि ये सब हमारे जुमले थे। तो इस वजह से 15 लाख वाला कहा, भारतीय राजनीति से जुमला शब्द और वायदा शब्द जो है निकल गया, उसके बाद में मोदी जी अब गारंटी पे आ गए हैं। आपको नहीं लगता डेमोक्रेसी में गारंटी जैसा कॉर्पोरेट कंपनियों का शब्द कि साहब प्रेस अगर 6 महीने में खराब हो गई, कूलर की मोटर 6 महीने में खराब हो गई तो बदलेंगे, गारंटी है, क्या लगता है सरकार जैसी संस्था को, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी में, आपको बिल्कुल सरकार जैसी संस्था को गारंटी देनी पड़ रही है जो देश संभाल रहा है, उसको एक कंपनी जैसा वायदा देना पड़ रहा है। कंपनी कैसे वायदा दे रही है कि आटे का कट्टा लिया तो कटोरी फ्री मिलेगी, और भले ही वो कटोरी उससे आटे से निकलने वाले कीड़ों से भर जाए, तो ऐसी गारंटियां क्या उचित हैं? आप सरकार को भरोसा दिलाना पड़ रहा है गारंटी के माध्यम से, या पार्टी को दिलाना पड़ रहा है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां क्यों नो बता रहे हैं? मैंने क्या विश्वास, मैंने वही बताया कि भारतीय राजनीति के अंदर एक शब्द हुआ करता था वायदा। जब जब चुनाव आते थे राजनीतिक पार्टियां वादा लेके आती थी, बताते थे कि हम ये काम करेंगे, घोषणा पत्र जिसको हम घोषणा पत्र बोलते थे, उसमें वायदा होता था। लेकिन हुआ क्या ना कि जनता का वायदा से मोह है वो एकदम से हट गया, क्योंकि मोदी जी आते हैं कहते हैं सबकी जेबों में 15 लाख आ जाएंगे, मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मोदी जी कहते हैं मैं 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। तो ये सब जब सारी चीजें आई और वो जब सारी चीजें खत्म हुई और जनता तक नहीं गई, तब इस राजनीति, भारतीय राजनीति से वायदा शब्द गायब हुआ, और उसके बाद में नया शब्द आया गारंटी। और वो गारंटी होती है जो गारंटी वाकई में दी जाती है, जैसा कि हमने किया, जैसा कि हमने दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर, हमने 5 गारंटी लेके आए वो हमने की, कर्नाटक के अंदर जो हमने गारंटियां दी वो हमने पूरी की, तेलंगाना में जो गारंटी लेके आए वो हमने पी, और राजस्थान के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो जो हमने बोला हमारे शासनकाल के दौरान वो हम सब पूरा किए। अब इनका तो क्या है ना, अब जैसे चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद में एक जना आएगा कैमरे के सामने बैठेगा और कह देगा साहब ये गारंटी तो जुमला थी। तो एक और बिंदु पे आपको मैं ले जाऊंगा, चूंकि बाड़मेर का इशू है, रविंद्र सिंह भाटी पे कल एक ट्रेंड चला था, 2 दिन से ट्रेंड चल रहा है कि विदेशी फंडिंग या इस तरह का कि देश विरोधी ताकतों से मुलाकात वाला, क्या मामला है वो? देखिये मामला ये सब आप अगर भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस ने किया बीजेपी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के जो टूल किट है उनसे अगर आप पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो इतना जानता हूं कि जब जब कोई आवाज उठाता है किसी भी तरीके की, आप याद कीजिए किसान आंदोलन, क्या हुआ उस किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन में ये हुआ कि भाजपा और आरएसएस के लोगों ने उनको खालिस्तानी घोषित कर दिया, उनको पाकिस्तानी बना दिया गया, उनको देशद्रोह का तमका दे दिया गया। जब नोटबंदी शुरू में आई तो लोग लाइन में लगे, मोदी जी ने किन किन को लाइन में लगाया, हम जैसे लोग, राहुल गांधी भी लगे, हम जैसे लोग थे जो सामने आए कि ये नोटबंदी गलत है और ये एक सबसे बड़ा स्कैम है। तो उस समय भी इस आरएसएस के चिंतकों ने, आरएसएस के लोगों ने और आरएसएस की टूल किट ने देशद्रोही कर दिया। अब जब बाड़मेर की चुनाव आती है, रविंद्र भाटी चुनाव लड़ रहे हैं,
देश में लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है, लड़ना भी चाहिए। वो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें तो अच्छा लगता है वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना अब हमें इस परिपक्ष में अच्छा लग रहा है कि अब जो लड़ाई है बाड़मेर में वो 2 नंबर और 3 नंबर की है। दो नंबर पे कौन रह रहा है यार दो देश नंबर में, 3 नंबर में, मैं वो ही कह रहा हूं। अब अगर तो आप क्या रविंद्र भाटी वहां चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस के देखिए, प्रवक्ता? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ साथ में मैं बिल्कुल वहां का जो बाड़मेर की जो जनता कह रही है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप विधानसभा चुनाव का डेटा उठा के देखिए, अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो हमें लगभग 7.5 लाख वोट मिले थे, लगभग 7.5 लाख वोट मिले कांग्रेस थे और आरएलपी को, कांग्रेस और आरएलपी को मिला करके, और बीजेपी को 5 लाख। हाँ साढ़े अगर हम विधानसभा के परिपेक्ष में देखें तो हम 2,10,000 वोटों से आगे हैं, जी हम जीत रहे हैं, क्योंकि वहां जनता की आवाज है। हमारा जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट जो है वो उमेदा राम जी है, बहुत ही उम्दा किस्म के व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत से काम किए हैं, तो वो फाइट तो हम जीत चुके हैं। अब लड़ाई आ रही है 2 नंबर और 3 नंबर की। वहां क्या है कि आरएसएस की अपनी इज्जत दांव पे लगी हुई है, जी और साथ में भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनकी इज्जत दांव पे लगी है। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है कि किसकी तरफ इशारा जी हो जी रहा जी है, बिल्कुल तो वो इज्जत दांव पे लगी हुई है। तो अब उनको लगता है कि हम अगर 2 नंबर पे रह गए तो हमारी मिट्टी पलीत हो जाएगी। तो ये जो उनको देशद्रोही का तमगा दिया जा रहा है, दो पे अगर, 2 नंबर और 3 नंबर के कारण दिया जा रहा है। तो आप क्या मान रहे रविंद्र भाटी दूसरे नंबर पे रहेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दूसरे नंबर पे रहे, लड़ाई दो और तीन, मैं तो भाजपा के लिए कह रहा हूं कि भाजपा अपने 3 नंबर को बचाने के लिए, दो नंबर को वो बचाने के लिए सॉरी 2 नंबर को बचाने के लिए वो तीसरे नंबर पे इस तरीके का आरोप लगा रहे। और देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, जैसा कि आरएसएस हमेशा करता आया है, भाजपा करती आई है। आपके पास सबूत है तो सबूत पेश करो, आपके पास जांच एजेंसियां हैं, जी। सब कुछ है, आप जांच बिठाइए। अगर ऐसा रविंद्र भाटी ने किया है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, चुनावों के समय जिस तरीके से आपने देश के चुने हुए संवैधानिक तरीके से दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रखा है, आपने अपनी जांच एजेंसियों के द्वारा अन्य नेताओं को जेल में डाल रखा है, उनके ऊपर आप जांचें बैठा देते हैं, तो ये तो इनका एक छोटा सा टूल किट है जो रविंद्र भाटी के अभी सामने आया। मैं तो कह रहा हूं कि अगर रविंद्र भाटी की थोड़ी सी और आवाज उठी तो पता नहीं ये क्या क्या कर देंगे। जी, तो क्या लगता है कि रविंद्र भाटी पे इस तरह का आरोप लगा है, उसके बाद जो है उनकी टीम भी एक्टिव होगी, आएगा तो भाटी ही, तो क्या लगता है कि यह जो खेल है क्यों ही रचा जा रहा? कैलाश चौधरी ने भी कहा है, उन कैंडिडेट ने खुद, कि इस तरह उनका मिलना करना, तो सार्वजनिक जीवन में जैसे आप भी एक सोशल लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं, कौन क्या है कैसे पता चलेगा? देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चलता, अगर मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं तो मेरे पास में सबूत होने चाहिए। पर लिए भाजपा की ये हमेशा परिपाटी रही है, सबूत कुछ नहीं है। आप याद कीजिए किस तरीके से इन्होंने कन्हैया कुमार के लिए क्या क्या कुछ नहीं कहा, इन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी को तो मतलब संसद सदस्यता तक दे दी। वो तो हम धन्यवाद करते हैं हमारी न्यायपालिका का, कि देश में आज भी न्यायपालिका जिंदा है, जिसकी वजह से वो वापिस से उनको जो सांसद है वो सब मिले। बाद में ये कहते हैं साहब जो घर हमने कोसा वो आप ले लीजिए, ये राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा, मेरे तो यहाँ जो करोड़ों जो भारतीय हैं उनके दिल में मेरा घर है, मुझे तुम्हारे घर की जरूरत नहीं है। तो ये रविंद्र भाटी के साथ तो एक छोटा सा टूल किट है। और दूसरी बात है, रही कैलाश चौधरी जो मंत्री रहे हुए हैं, उनकी तो वहां पे हमारे अध्यक्ष जी के कहने उनका तो मोरिया बुला हुआ है, क्योंकि कारण क्या है कि वो अपने क्षेत्र में कभी जाते नहीं है, क्षेत्र में जाके जन समस्याओं का आज तक सुना नहीं है। 10 साल हो गए, कभी भी बाड़मेर की जनता के लिए उन्होंने संसद के अंदर कोई आवाज नहीं उठाई है। और दूसरा और एक आप पहलू देखिए, मैं जिस समाज से आता हूं, राजपूत समाज से, ईडब्ल्यूएस सरलीकरण के लिए उनके पास पत्र लेके जाते हैं समाज के संगठन, वो मना कर देते हैं कि इसके ऊपर मैं साइन ही नहीं करूंगा। तो ऐसे लोग जो किसी ना समाज के हैं, ऐसे लोग जो आमजन की भावनाओं को नहीं समझते, केवल एक अफवाहों के मात्र में 400 पार, 300 पार, 200 पार, अरे भाई खुद की बाड़मेर तो बचा लो पहले, कहां कहां से होंगे ये 400 पार। तो मैं बाड़मेर के बारे में स्पष्ट आपके चैनल पे कहते जा रहा हूं कि हम सर्वाधिक मतों से लगभग 3.5 से 4 लाख से हम वहां पे जीतेंगे। रही बात है 2 या 3 नंबर की, वो रविंद्र सिंह भाटी जाने और वो कैलाश चौधरी जाने। जी, अब आपकी जीत अपनी सुनिश्चित मान रहे, ये होता है कॉन्फिडेंस। तो सुदेश जी, 25 सीटों पे बात करते हैं, आप वार रूम में बैठते हैं कांग्रेस की,
कितनी सीट कांग्रेस जीत रही है? देखिए, मैं अगर बात करें कि एक स्ट्रेटेजिक उसके तहत में वार रूम में हमारे पास काम किया जाता है कि जैसे हमारी सीट कौन सी मजबूत है, कहाँ हम फाइट में हैं, कहाँ हम लूज कर रहे हैं, उसको और सुधारा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा एक 25 के 25 वाला डायलॉग तो बीजेपी दे रही है। नहीं, मैं वो ही कह रहा हूँ कि हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं, हम भाजपा की तरह हवाओं में बात नहीं करते हैं। तो हम लगभग हमारा ये मानना है कि 12 से 13 ऐसी सीटें हैं जो आज की तारीख में हम जीत की निश्चित में है, और लगभग 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे हमारी टक्कर मजबूत है, 50-50% है, और एक दिन का कल का समय है, उसमें हम अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जहां पे अभी हम थोड़े से पीछे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, वो दूसरी फेज की कुछ एक सीटें हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उन सीटों के ऊपर भी आप मान के चले कि पिछली बार के कंपेयर में कांग्रेस बहुत बेहतरीन करने जा रही है और हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और हम मोदी और मोदी की टीम को, आरएसएस की टीम को चौंकाएंगे कि राजस्थान की जनता अब आप लोगों से ऊब चुकी है, वो 10 साल का हिसाब मांग रही है, आप हिसाब देने में असमर्थ हैं, इस वजह से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हम सीटें जीत रहे हैं। प्रदर्शन की बात करें तो आपके पहले फेज में मैंने कई सारी आपकी जनसभाएं देखी, उसमें आपके अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा का डांस बड़ा फेमस हुआ है। अब सेकंड फेज में जैसे जालौर में जनसभा हुई, वहां डोटासरा जी ने डांस नहीं किया, तो मेरे पास कई लोगों को फोन आते हैं यार हम तो वंचित रह गए, चक्कर में तो गए थे, तो क्या वो आगे कुछ परफॉर्म करेंगे जनसभाओं में? देखिए, एक चीज आप देखिए, जो परफॉर्म करना और डांस और ये सब क्या होता है कि जब सभा होती है और सभा के अंदर लोगों के भाव होते हैं और वो भाव जागृत होते हैं वहां पे चलने वाले भजन से, और हमारे जो अध्यक्ष जी है वो बहुत ऊर्जावान है और वो अपने जो गोविंदा नाम पे सूट करता है उनको, गोविंदा आलारे जो, तो वो उनको बहुत ज्यादा मानते भी हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में वो एक जनता की आवाज से लेकर के वो ऊर्जा के तहत में उसको एक डांस का रूप दिया जाता है। ऐसा नहीं है, जितना प्रोग्रेसिव और जितना कार्य हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने किया है अपने कार्यकाल के दौरान में, वो किसी ने नहीं किया, और आप आने वाले समय में देखेंगे उनकी ही अध्यक्षता के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी और हम बहुत सी जो सीटें हैं वो हम जीत के जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए सुखदेव सिंह जी। ये सुखदेव सिंह जी चौहान है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और आपका कहना है कि ये इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है भाजपा और आरएसएस पे इन्होंने आरोप लगाए हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।